मैं आप लोगों को ऑनलाइन अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाने जा रहा हूँ कि हम लोग लीव कैसे अप्लाई करेंगे। मैं आप लोगों को लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। मैं ये ईस्ट कोस्ट रेलवे के एक यूजर हैं, ठीक है। उनसे मैंने लॉगिन किया है। और ये मेनू है, मेनू आइटम जिसमें आपको सारे आपके मेनू दिखाई देते हैं, पास, सेटलमेंट और सब कुछ। तो यहीं पे एक लीव मैनेजमेंट का मेनू है। अगर आप इस लीव मैनेजमेंट के मेनू को क्लिक करेंगे तो आपको लीव का पेज दिखाई देगा, राइट। दे लीव मैनेजमेंट का पेज है, यहीं से आपको अपनी लीव अप्लाई करनी है और सारी डिटेल देखनी है। लीव मैनेजमेंट के पेज की एक इंपॉर्टेंट चीज, जो ऊपर वाला पेज है, ये कर्मचारियों के लिए है। न्यू लीव एप्लीकेशन मतलब आप नया लीव अप्लाई करिए। माई लीव एप्लीकेशन मतलब आपके सारे लीव एप्लीकेशन जो आपने डाले होंगे उनके डिटेल्स होंगे। माई लीव बैलेंस जिसमें आप बैलेंस देख सकते हैं। लीव रिकॉर्ड में अपना पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो ये कर्मचारियों के लिए पार्ट, और ये ऑफिस यूज के लिए। ये ऑफिस यूज में आपको देखना है कि जो रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, वेटिंग होनी है वो कैसे होनी है, और जो रिकॉर्ड होनी है, लीव बैलेंस दिखना है वो कैसे दिखना है। तो ये वो पूरा सिस्टम है। सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो हमने लीव सिस्टम बनाया है उसमें आपका जो डिटेल्स आएंगे वो सारे एम्प्लॉय मास्टर से आएंगे। तो आपके डिटेल्स वहाँ पे अपडेटेड होने चाहिए। आपका नाम, रेजिग्नेशन, पे लेवल, ये सब सही होना चाहिए एम्प्लॉय मास्टर में, क्योंकि वही आपके लीव एप्लीकेशन में शो करेगा। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि लीव अप्लाई कैसे करनी है। तो मैंने न्यू लीव एप्लीकेशन पे क्लिक किया। ओके, नाउ एज अ कर्मचारी मैं सबसे पहले कैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं वो दिखा रहा हूँ। मेरे को और किसी चीज से मतलब नहीं है, मैं सबसे पहले लीव अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, मेरे डिटेल्स मतलब जो आ रहे हैं। जो मेरे डिटेल्स नहीं आ रहे हैं वो होता है एम्प्लॉय मास्टर में अपडेटेड ना हो, ठीक है। यहाँ पे मेरी व्यू पास सेंक्शन लीव डिटेल दिख रही है, माई पास सेंक्शन लीव डिटेल। तो दीज आर दी सेंक्शन लीव विच हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू मी। और ये मेरे लीव बैलेंसेज हैं, जो मेरे लीव के बैलेंस दिखाई जा रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि LAP, LHAP और CCL, ये तीन लीव बैलेंस ऐसे हैं जो प्रोविजनल लीव बैलेंस हमने सारे एम्प्लॉयज के जो आई पास में थे वो लिए हैं, और इसको वेटेड और अप्रूव कराना पर्सनल और अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है सभी कर्मचारियों के लिए, ठीक है। तो अभी जो भी लीव बैलेंस कर्मचारियों को दिखेगा वो प्रोविजनल लीव बैलेंस होगा, और पर्सनल डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट को मिलके इसे अप्रूव और वेट कराना है ऑनलाइन। ये कैसे करना है वो हम आपको अगले इसके बाद दिखाएंगे, बट अभी इस प्रोविजनल बैलेंस से लोग अपना लीव ले सकते हैं। सीएल और आरएच, सीएल और आरएच जैसा आपको पता होगा वेट नहीं होते हैं। सीएल और आरएच का जो बैलेंस है वो हम लोग एम्प्लॉय से खुद मांग रहे हैं। जब आप पहली बार सीएल अप्लाई करेंगे, आरएच अप्लाई करेंगे, तो आपको अपना लीव बैलेंस पहले देना होगा, ठीक है। तो ये लीव बैलेंस है और लीव अंडर अप्रूवल भी है। लीव अंडर अप्रूवल मतलब जो मैंने लीव अभी तक अप्लाई की है और अभी तक अप्रूव नहीं है वो यहाँ दिख रही है, ठीक है। बहुत फास्ट है। तो लीव जो मैंने अप्लाई की है वो जितनी अभी तक अप्लाई कर दी है वो यहाँ दिखेंगी। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस आई गॉट हियर। सैंक्शन लीव, माई लीव बैलेंसेज एंड लीव अंडर अप्रूवल। तो दीज आर लाइक आई जस्ट एक्सप्लेन्ड व्हाट इज द मीनिंग। तो नाउ हाउ टू अप्लाई फॉर लीव। तो दिस इज अ ड्रॉप डाउन विच इज नेचर ऑफ लीव। मैंने LAP अप्लाई की है, मैं एक दिन के LAP अप्लाई करूंगा। तो सपोज मैं 17 तारीख की LAP अप्लाई करता हूँ, 17 जुलाई की मैं अप्लाई। ये खासियत ये कि आप बैक पोस्ट फैक्टो फ्यूचर की कोई भी लीव अप्लाई कर सकते हैं। आप अक्टूबर की भी लीव अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप पुराने लीव जाके अप्रैल मार्च की भी लीव अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस पोस्ट फैक्टो एंड फ्यूचर की कोई भी लीव आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को अक्टूबर की एक लीव अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। 3 अक्टूबर से मैं LAP ले रहा हूँ, और 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर मैं छुट्टी ले रहा हूँ। तो 3 दिन की मेरी छुट्टी हो रही है, टोटल 3 डेज यहाँ पे दिख रहे हैं। बैलेंस से कम होगा तभी लीव अप्लाई होगी, नहीं तो सिस्टम कहेगा कि बैलेंस आता है। ओके, तो यू टू टेक केयर द बैलेंस एंड नंबर ऑफ डेज आर मैचिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर लीव परमिशन। इफ यू वॉन्ट टू टेक अ हेडक्वार्टर लीव यू से यस, इफ यू डोंट वॉन्ट टू टेक अ हेडक्वार्टर लीव यू से नो। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन यू टेक अ हेडक्वार्टर लीव वो आपसे पूछेगा कि एक्स इंडिया लीव लेनी है कि नहीं, नो और यस। एक्स इंडिया लीव किस लिए होती है? फॉरेन जाने के लिए, विदेश यात्रा के लिए एक्स इंडिया लीव लेनी होती है। यहाँ पे ये ध्यान आपको रखना है कि अगर आपको एक्स इंडिया लीव लेनी है तो आपका लीव टाइप तो LAP रहता है। ओके, आप LAP या CL लेके भी विदेश जा सकते हैं, लेकिन जहां पे आप हेडक्वार्टर लीव परमिशन येस और नो कर रहे हैं वहां पे आपको सही से बताना है कि एक्स इंडिया लीव है कि नहीं। ओके, अगर आप लीव टाइप में एक्स इंडिया लीव ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, यू वोंट फाइंड एक्स इंडिया लीव हियर। इनफैक्ट यू शुड टेक द राइट काइंड ऑफ लीव एंड देन अप्लाई फॉर एक्स इंडिया हियर, एंड देन द सिस्टम विल आस्क यू फॉर द डेट्स कि इफ यू वांट टू टेक अ हेडक्वार्टर लीव व्हिच पीरियड यू वांट टू टेक इट फॉर। यू हैव टू मेंशन देयर यू कैन टेक अ डे, यू हैव गिवन अ पीरियड 2-3 डेज बिफोर एंड 2-3 डेज आफ्टर दैट यू कैन टेक। ओके,
So I'm taking from 2nd to 6th of October. And ex India leave, I mean, if I want to take, I'll take, otherwise I'll not take. So I mean, without ex India, I'll go forward. In ex India leave, one thing is to be noted that, like, in ex India leave, there are a lot of documents involved, a lot of inquiries are done. ex India leave लेने में आपको कई तरह के कागज देने पड़ते हैं. तो हमने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का. ठीक है, आप डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड कर सकते हैं. सिस्टम इसने इसको मैंडेटरी नहीं रखा है, एलएपी के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप कम्यूटेशन ऑफ सिक लीव लेंगे तो ये डॉक्यूमेंट डालना मैंडेटरी होगा, क्योंकि कुछ कुछ लीव के लिए डॉक्यूमेंट डालना मैंडेटरी होता है. तो ये जिम्मेदारी जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसकी है कि वो डॉक्यूमेंट चेक कर ले सही है कि नहीं है. उसको कुछ कंफ्यूजन है तो वो लीव एप्लीकेशन को किसी और को फॉरवर्ड करके चेक भी करा सकता है, ताकि वो चेक कर ले कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है. जैसे एक्स इंडिया लीव अगर कोई ऑनलाइन ले रहा है तो ये इंश्योर करना चाहिए ऑफिस को कि उसने जो प्रोसेस है पूरा फॉलो किया है कि नहीं किया है. ठीक है, मतलब हमने आपको ऑप्शन दिया है ग्राउंड लिखने का, जैसे आप रीजन क्या रीजन है आपका. ओके, एड्रेस आप अगर लिखना चाहें तो एक्स इंडिया लीव के केस में एड्रेस मांगा जाता है. बाकी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं. और लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को ये इंश्योर करना है कि लीव सैंक्शन करने के पहले वो ये सारी चीजों का ध्यान रख ले कि सब चीजें अपडेटेड हैं. ओके, यानी सिस्टम आपको हर चीज नहीं बता पाएगा, राइट? तो लेकिन हमने ये कोशिश की कि हम जितने वैलिडेशन लगा सकें वो लगाएं, जितने भी वैलिडेशन हम लगा सकें वो लगाएं, उसकी हमने कोशिश की है. तो ये एक छोटा सा लीव है जो मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पे आप लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को सिलेक्ट करेंगे. लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन हो सकती है? कोई भी सुपरवाइजर एंड अबव लेवल, लेवल 6 एंड अबव का आदमी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, ऐसा हमने यहाँ पे लिखा है एज पर एसओपी, मॉडल एसओपी के हिसाब से. और हम लोग लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो भी आपके यूनिट में है वो उनका नाम यहाँ पे आपको दिखेगा. आपको उनके एचआरएमएस आईडी या नाम का पहला 3 अक्षर टाइप करना है. तो यू हैव टू एंटर द 3 और मोर कैटेगरी सर्च बाय नेम डेजिग्नेशन और एचआरएमएस आईडी. तो इफ आई जस्ट राइट राज हियर, आई सी टू पीपल. राजभाषा अधिकारी में राज आता है और इनके एचआरएमएस आईडी में राज आता है, इसलिए दोनों को दिख रहे हैं. एंड आई एम ओनली एबल टू सी सुपरवाइजर्स, गेस्टेड ऑफिसर्स हु आर कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन लीव एंड पीपल अबव माई पे लेवल. अगर मैं लेवल 8 का हूं तो यहां पे मेरे को वही लोग दिखाई देंगे जो लेवल 8 या उससे ऊपर के होंगे. ओके, बिकॉज यू कैन नॉट सेंड योर लीव टू सेम यू नो पर्सन ऑफ द बिलो पे लेवल. अगर मेरा पे लेवल 5 है तो 4 पे लेवल का आदमी मेरा लीव सेंक्शन नहीं कर सकता, राइट? तो यहाँ पे हमने केवल उन्हीं लोगों का नाम दिखाया है जो आपके यूनिट के हैं, आपके पे लेवल के बराबर या ऊपर के हैं, सुपरवाइजर हैं. ओके, उन्हीं का नाम यहाँ पे आएगा. आप उनके नाम या जनता की सर्च कर सकते हैं. अगर अगर आपका लीव सेंक्शनिंग अथॉरिटी किसी और यूनिट में बैठता है, जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम कर रहे हैं डिवीजन में लेकिन लीव सैंक्शन होती है हेडक्वार्टर से, है ना, तो उसे कहते हैं मॉडिफाई सर्च रेंज है. यू कैन मॉडिफाई योर सर्च रेंज हियर. आप अपना जोन, डिपार्टमेंट, प्राइम यूनिट चेंज कर सकते हैं यहाँ से और आगे बढ़ सकते हैं. तो दिस ऑप्शन इज फॉर दोज पीपल हुज लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इज इन अ डिफरेंट यूनिट, इन इन हेडक्वार्टर और समवेयर एल्सवेयर. ओके, देन दे कैन एक्चुअली मॉडिफाई देयर सर्च रेंज टू लुक फॉर द एम्प्लॉय. इवन इफ अगर किसी भी कारण से आपको यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिख रहा है, मान लिया आपने सुपरवाइजर को ढूंढ रहे हैं कि मेरा सुपरवाइजर यहाँ पे आना चाहिए लेकिन नहीं दिख रहा, मेरे को एडीएम साहब से अपनी लीव सैंक्शन करानी है लेकिन मैं एडीएम साहब का नाम ही यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि आपके हो सकता है एडीएम साहब की डिटेल्स अपडेटेड नहीं हो एम्प्लॉय मास्टर में, उनका ट्रांसफर ना हुआ हो अभी तक एचआरएमएस, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं. तो आपको ये अगर आपको कभी अपनी एप्लीकेशन में सही नाम ना दिखे सुपरवाइजर का, तो आप अपने कंसर्न लीव क्लर्क से, कंसर्न वेलफेयर इंस्पेक्टर से कॉन्टेक्ट करके बताइए उनको ये बात, वो लोग इसे सुधार करेंगे. ठीक है, लेकिन अधिकतर केसेस में ये दिखनी चाहिए. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये लीव गलत आदमी को फॉरवर्ड नहीं करनी है. ठीक है, मान लीजिए मेरे मेरे डिपो में 8-10 SSC हैं, एक आदमी को लीव सैंक्शन करने का अथॉरिटी है बाकी को नहीं है, तो मैं जबरदस्ती किसी और को भेजना सही नहीं है, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा, वो लीव अप्लाई अप्रूव नहीं करेगा, वो पैसे रखी रह जाएगी. वो अप्रूव करेगा भी तो बाद में पता लगेगा कि वो गलत अप्रूव किया तो दिक्कत होगी. ठीक है, तो आप सही आदमी का चुनाव करके और उसको ये सबमिट कर सकते हैं. तो ये बहुत सिंपल लीव एप्लीकेशन है. लीव टाइप, डेट और हेडक्वार्टर है कि नहीं, एक्स इंडिया है कि नहीं, रीजन और डॉक्यूमेंट, इतनी चीज आपको डालनी है. और करंट लीव बैलेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है. ये सिस्टम को सिंपल रखा गया है कर्मचारियों के लिए ताकि इनको दिक्कत ना आए. इसी फॉर्म से सारे कर्मचारी अपना लीव अप्लाई करेंगे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. और मैं सबमिट करने जा रहा हूँ लीव. ओके, एंड मैं जब मेरे को बोला योर लीव एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड फॉरवर्ड टू द अथॉरिटी पांडा. ठीक है, तो मेरी लीव चली गई है मेरे सैंक्शनिंग अथॉरिटी को.